नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत। थोड़ा थका हुआ सा भी शायद आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, लेकिन अभी हम हैं लक्ष्मण झूला पुलिस थाने के सामने। यहां आने का मुख्य कारण था कि आज उन तीन आरोपियों को रिमांड पर ले गई पुलिस। कल ये चीज़ हो चुकी थी, कल तमाम जगह इसको दिखाया भी गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो आज ये यहाँ पर आने वाले थे और अभी हम थाने में हैं और तकरीबन सुबह के 11-12 बजे के बाद हम यहीं रुके हुए हैं। काफ़ी थकान सी भी हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी दृश्य जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। आज सुनने में आया कि धामी जी भी गए थे अंकिता के गाँव, उनके पिताजी से भी मिल के आए, तो मुझे लगता है साथ के साथ उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंप देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहीं पता नहीं चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? क्योंकि अभी पहले जब बोला गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिवार को सौंप दी गई है, लेकिन वो अभी भी उनको सौंपी नहीं गई है, ऐसा अंकिता के पिता ने कहा है। आज हमारे साथ यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोग इनसे भी बात कर लेते हैं। बॉबी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आरती राणा जी हैं, तो ये लोग भी काफ़ी समय से यहाँ पर आए हुए हैं। बॉबी से ही बात कर लेते हैं। बॉबी, क्या हो रहा है? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी नहीं गई है परिवार को। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर यहाँ एम्स में जाम हो गया था, जो ये कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक दोगे नहीं तब तक डेड बॉडी को उठाने नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर जो जनता थी उनकी यही मांग थी, और उसके बाद जनता पर लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्ती यहाँ से अपने जो डेड बॉडी है उसको श्रीनगर ले गए। फिर श्रीनगर में भी यही डिमांड थी, पूरे दिन भर चक्का जाम रहा कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, परंतु वहाँ भी जबरन करके वहाँ पर पानी की बौछारें डालकर और पुलिस बल का प्रयोग करके वो कर दिया जो इन्होंने करना था। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, वो प्रोविजनल रिपोर्ट जो जारी की गई थी या जिसमें दो बिंदु थे उसमें ये तो साबित हो गया कि कुंद हथियार से पहले हमला किया गया, उसके बाद उसमें कह रहे हैं कि मौत पानी में डूबने से हुई। अब मैं यहाँ पर दो पॉइंट से देखता हूँ इस चीज को, कि अगर मौत पानी में डूबने से हुई है तो मैं एक चीज कहता हूँ, या तो फिर वो डेड बॉडी दो दिन पहले की है, पांच दिन पहले की नहीं है, और अगर वो पांच दिन पहले की है तो उसको मारकर फेंका गया है, क्योंकि अगर इंसान जिंदा इंसान डूबता है तो जब तक उसकी सांसें चलती रहती है तब तक वो मुंह से नाक से वगैरह ये पानी अंदर लेता रहता है और तब तक वो फूलता है, और फूलने का मतलब है कि उसके कपड़े भी कहीं से फट जाते हैं। ये एक थ्योरी है, और यकीन मानिएगा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं बताई जा रही है उस पर एक बड़ा प्रश्न है, कहाँ गई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट? क्यों नहीं उसको सार्वजनिक किया जाता है? या चलो आपने कहा परिवार को दे देंगे, परिवार तक भी कहां पहुंची है वो, और कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये गुमराहियत क्यों हो रही है? आज सुबह से अगर इन तीनों को यहां पर लाना चाहिए था, अगर उनको रिमांड पर लेना था, तो कहां है वो? और हम लोग तो तमाम यहां पर बहुत देर से, कितने काफी देर से हम लोग यहां पर खड़े हैं, तो क्यों नहीं उनको लाया जाता है यहां पर? आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक बड़ा प्रश्न भी हमने छोड़ दिया था। पुष्पदीप वो लड़का जिसने इसको पूरा सूत्रधार बना, तमाम जगह उसके आर्टिकल्स चल रहे हैं, तमाम जगह उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तमाम जगह वो दिख रहा है, लेकिन उसने एक स्पष्ट किया था कि मैं कहीं अपनी बातें नहीं बता रहा हूं। तो ये कौन से अखबार हैं जो हर दिन उसकी खबरें छाप रहे हैं कि पुष्पदीप ने ये कहा, पुष्पदीप ने वो कहा? ये कहीं ना कहीं आम आदमी को गुमराह करने की भी चीजें हो रही हैं, और वो दो दिन से यहाँ आया हुआ है और कहाँ है ये पता नहीं, फोन उसका बंद है। जी, क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, आपने बोला कि सुबह से शाम हो गई, मैं तो कल सुबह से शाम तक यहाँ पे थी जी। और मैं देहरादून से स्पेशली आई थी, क्योंकि जो ये केस है, हमें जो पुष्प की बात कर रहे हैं, पुष्प एक बहुत मुख्य व्यक्ति है इस केस को, क्योंकि अगर पुष्प नहीं बताता तो शायद वो लोग पकड़े भी नहीं जाते। अगर जो चैट्स की बात भी आ रही है, वो भी अगर सार्वजनिक नहीं होते तो ये सब चीजें आउट नहीं हो पाती, ये केस हमें पता नहीं चल पाता। और इन सब चीजों के बाद हम उस पटवारी की भी बात कर रहे हैं कि उसके लिए भी क्या कड़े जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से अगर कोई दबाव बनाया जा रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस है जो हमें लगता है, महसूस हो रहा है, और आप सभी इस पर पहले दिन से बने हुए हैं। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये केस इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और क्योंकि जनता भी देखती है, मैं कहना चाहती हूँ कि भ्रमों में ना फंसे, तथ्यों को पढ़े। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उसके परिवारजनों को अनशन कुछ ना कहें। अगर कोई कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए मिला है तो भैया पहले उसका सबूत दीजिए। नहीं, उसका भी साक्ष्य है हमारे पास, हम उस दिन श्रीकोट में थे जिस दिन ये बात हुई थी, तीन प्रमुख मांगों में, और ये परिवारजन की मांग नहीं थी,
वहां पर जो लोग उपस्थित थे, हमने ये बात कल भी कही थी कि जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा कि परिवारजन को अगर आपको कुछ संतुष्टि देनी है तो उनको 1 करोड़ रुपए दीजिए, उनको संतुष्टि देनी है तो परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दीजिए, उनको संतुष्टि देनी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करें। ये 3 बातें थी। अब इनको कौन फैला रहा है, तोड़ मरोड़ के किस तरह पेश किया जा रहा है, आप सब इन चीजों पर ना जाएं, क्योंकि अगर परिवारजन जरा से भी टूटे होते तो आज भी यही कहते कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख ली है। लेकिन कल उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि उन्हें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। ये कितनी बड़ी बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई नहीं। आप लॉ के भी स्टूडेंट हैं, देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं ठीक है कि अगर आपको समय लग रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने में, जायज है, बिकॉज इट टेक्स टाइम, बट आप इस तरीके की भ्रांतियां नहीं फैला सकते कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को दे दी, तो आप देखिए ना, हमें कैसे भरोसा होगा। सुबह कहते हैं मृत्यु हो गई, शाम को कहते हैं मिसिंग है, अब कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही, कल लड़का का भाई कह रहा है कि लड़की का भाई कह रहा है कि रिपोर्ट नहीं है। सो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, दिस इज समथिंग। ये जो जनता को भ्रमित किया जा रहा है, और मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अंकिता के घर वाले हो सकता है कि एक बारी के लिए बेचारे गरीब हों, असहाय हों, लेकिन जनता और सोशल एक्टिविस्ट ये दिमाग वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात एक जो हमें समझ नहीं आ रहा है, जितने ये अपराधी थे ये इतने दिनों से तो जेल में बंद थे, इनकी रिमांड नहीं हुई, जो भी हुआ अब रिमांड चलो आ गई। पुष्पदीप 2 दिन से कल 10:30-10:30 बजे से वो आ गया था थाने में, उसकी क्या रिपोर्ट चल रही, उसका फोन बंद जा रहा है, उसके परिजन और परेशान हो रहे हैं। वहां जम्मू से आया हुआ लड़का 2 दिन से थाने में अपनी किस तरह से गवाहियां दे रहा होगा। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो इस केस के गवाह है उनको तो सबसे पहले सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम विश्वास कैसे करें। डीएम साहब पहले कहते हैं कि यहाँ पर हमने बुलडोजर नहीं चलाया है, हमने नहीं तोड़ने के आदेश नहीं दिए हैं, और अब सरकार के बचाव में कहो या सरकार के दबाव में कहो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला है, और ये कल अखबार के माध्यम से हमें देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि हमने ही चलाया है, तो किसको बचाने की कोशिश हो रही है। आपका मैं एक कवरेज देख रहा था जिसमें वहां पर एक कॉपी रखी हुई थी और जिसमें मेंशन था कि कितने से कितने तक कौन रुका है, क्या रुका है, तो जो 2-3 दिन वो रुके थे उनका किसी का डाटा सार्वजनिक किया गया, डाटा उनका निकाला गया कि कौन थे, क्या डिमांड कौन वही कर रहे थे, वही बहुत सारी चीजें हैं इसमें केस में निकालने के लिए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो यहाँ पर हमारी सरकार है वो इसको ये समझकर केस को ना देखें कि हमारे पार्टी का मसला है। पार्टी का मसला होगा, पार्टी का मसला आप सुलझा लीजिए, परंतु मैं कहना चाहूंगा अगर हमारे पुलिस टीम को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए, उन पर कोई राजनीतिक दबाव ना आए तो मुझे लगता है कि काम अच्छा होगा, परंतु अगर राजनीतिक दबाव आ गया तो मुझे नहीं लगता कि जो लिपापोती चल रही है, जैसे डीएम के इतने बड़े अधिकारी के मतलब ये बयान बदल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बयान बदलने नहीं चाहिए, ना ही लिपापोती, और उत्तराखंड की जनता को आप ठग नहीं सकते अभी, क्योंकि जनता तमाम एक हो चुकी है और हमें समझ आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। हम भी पहले दिन से केस पर लगे हुए हैं, कहां तक भी पहुंचते हैं, आज चाहे नेशनल मीडिया जहां भी हो कहीं भी हो वो भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कवरेज कर रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी बच्ची को न्याय मिले, उसमें लीपापोती ना हो, जैसे कि बॉबी भी कह रहे हैं और आरती जी भी कह रही हैं, क्योंकि ये सब संदेहास्पद जो चीज़ें हो रही हैं, आज 2 दिन हो गए पुष्पदीप का नहीं मिलना, या उसकी कैसी गवाहियां चल रही हैं, ये समझ से परे है हमारे। और एक और व्यक्ति के बारे में आज हम आपको बताएंगे, प्रफुल्ल कौन है और प्रफुल्ल कहाँ है, एक अहम गवाह या फिर एक अहम हिस्सेदार इस पर्टिकुलर केस में। 9 बजे हम बात करेंगे प्रफुल्ल के बारे में। जी आप कुछ कहना? मैं इसमें एक बात और कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, जो भी स्टेट में, इस केस पर एक नजर बनाए। देखिए हम लोग अपना घर बार छोड़कर आए हैं यहाँ पे, और हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें इससे कुछ हासिल होगा, हम उत्तराखंड की महिला की सुरक्षा की बात चाहते हैं। आप देखिए ना कि कब तक ये धनबल वाले लोग एक मासूम परिवार को, पहले तो उस परिवार के बच्चे की नौकरी छीन लेते हैं और उसके बाद उस परिवार की लड़की की इज्जत छीन लेते हैं। आप बताइए ना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग एक उस लड़की के इंसाफ के लिए नहीं, हम उत्तराखंड के इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़े, और आप सब लोगों का सहयोग हमें बहुत बहुत तरीके से चाहिए सर। मिल भी रहा है, तमाम जनता अब जागरूक तो हो रही है। एक और भाई भी है यहाँ पर, क्या नाम है भाई आपका? हृदय शाही। विदेश किस तरह से देख रहे हो मामला, जो अब तक देख रहे हैं, एक युवा हो आप, किस तरह से पढ़ पा रहे हैं चीजों को? जी पहले दिन से हम काफी शौक में, और मेन बात है कि इन तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया सुबह से खड़ी है, शायद 10 घंटे से ऊपर हो गए मीडिया यहाँ पे खड़ी है थाने पे। आज सुबह से हम यही हैं जी, तब भी एक कम्युनिकेशन गैप साफ दिख रहा है कि
पता नहीं क्यों छुपाना चाह रही चीजों को, और पर लेकिन छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा उत्तराखंड एक साथ है। अभी आज दिन में देहरादून में सारे जितने भी संगठन है सामाजिक, 30 से ज्यादा संगठन और युवा संगठनों की मीटिंग हुई, और 2 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। तो शासन प्रशासन से मेरा यही कहना है कि आप इसमें बिल्कुल भी कोताही न बरतें, पूरे उत्तराखंड की नजर आप पे ही है। बिल्कुल, पूरे उत्तराखंड की नजर आप पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए। और इस पर एक बड़ी अच्छी चीज जो है, जो हमने सुने में आ रही कि पी रेणुका मैम जो इंचार्ज है SIT की, वो वाकई अपने काम के लिए जानी जाती है और बहुत साफ छवि की भी है। तो मैम आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है उत्तराखंड अब, तो आप भी प्लीज इस मामले को जल्द से जल्द और क्लियर, जो मैंने कल कहा है कि अगर न्याय हो रहा है तो वो न्याय होते दिखना भी चाहिए। हम सुबह से यहाँ है, अभी तक कोई परिभाषाएं तो हमें नहीं पता चल पा रही है, तो किस तरह से चीजें हो रही है उत्तराखंड को ये पता जरूर होना चाहिए। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।